मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पुरजोर ताली के साथ गड़गड़ा के एकदम रवि रंजन भैया के लिए और उनको मंच पे बुलाते हैं। आइए, अभी कार्यक्रम तो शुरू हुआ है और अभी 10% अंक इसको मिलेगा। अभी 100 नंबर पे जाना है और अजीत जी ने जिस तरह से शुरुआत की है वो काबिले तारीफ है। और इसके बाद मैं बता दूं कि अजीत भाई जिस रूप के कलाकार हैं, भोजपुरी के मोहम्मद रफी पवन सिंह जी को कहा जाता है। रोमांटिक अंदाज में खेसारी लाल यादव का एक अपना भूमिका है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से अजीत भाई ने दोनों को मिक्सअप किया और कमाल की एक्टिंग करते और सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए जो खलूस दे जाते हैं, जो मोहब्बत दे जाते हैं, जिसका वो इजहार करते हैं, वो काबिले तारीफ है। छपरा की मिट्टी का यही चैन है जो मन को बेचैन कर देती है कि छपरा की मिट्टी तुझे सलाम करने को जी चाहता है कि तुमने इतने अच्छे कलाकारों को पैदा किया है। यदि छपरा का छिटका भी संगीत गाता हो तो मैं बता दूं कि छपरा का सौंदर्य इतना बड़ा है, इसकी सांस्कृतिक विरासत इतनी बड़ी है कि जिस कलाकार को छपरा ने प्यार नहीं दिया वो कभी कलाकार नहीं बन सकता। इसके बाद आप देखेंगे बिहाने बिहाने पर टीवी सबसे महंगा सेट पे खरीदा गया तो अजीत भाई का नाम आया और बड़े सलीके के साथ इन्होंने बड़ा नाम किया। और यकीनन आप जितने भी कलाकार को देखिए, महेंद्र मिश्र जी से लेके भिखारी ठाकुर तक का सफर, प्रेमांशु सिंह जैसा बड़ा डायरेक्टर और खास करके इतने बड़े बड़े लोग यदि छपरा की मिट्टी को न छूते हो तो फिर मुंबई इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। तो इतना बड़ा कामयाबी आपके माथे पे है। मैं चाहता हूं कि बड़े सलीके का कलाकार ने गाया है अभी और बड़े मोहब्बत के साथ अजीत भाई को सुना है आपने। गोलू राजा आप सबों के बीच में आए, बड़े हिट कलाकार हैं और बड़े कामयाब कलाकार हैं और आपकी सेवा करेंगे बड़े तनमन से। और उनको सुनिएगा तो एक फाट नजर आएगी, भोजपुरी की विरासत उनके गायकी में झलकेगी। इसके बाद मैं बात करूंगा कि साहब हमने सांस्कृतिक विरासत को छोड़ दिया, कुत्ते को घुमाना याद रहा, सुनना अजीत भाई, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। हम एक कहने वाले लोग हैं, हमें भी कहते हैं कि तू सच के समर के हुई सफाई, मैं उजड़ के मुजफ्फरनगर हो गया, मैं हूँ लाचार दिल्ली का आम आदमी, आप झाड़ू थमा के कहाँ चल गए। लेकिन हर व्यंग होता है साहब, लेकिन यकीनन आप मानिए ये लड़का इतना शारीरिक रूप से इसका स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना संगीत में आनंद ले रहा था, ये छपरा की मिट्टी को नसीब है। मैं चाहता हूँ अजीत जी दूसरी पारी जब शुरू करेंगे और कामयाबी देंगे, इस गायकी को मकाम तक ले जाएंगे, गोलू आएंगे वो कमाल के गाएंगे। यकीन सभी कलाकार बड़े मस्त हैं और डांसरों ने भी बड़ा कमाल किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सौंदर्य ऐश्वर्या राय के पास है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मोहन अमिताभ बच्चन के पास है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सामर्थ सचिन तेंदुलकर के पास है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है साहब, लेकिन हम चुम्मा की बात करते करते कहां पहुंच गए। मैं उस कलाकार का एड्रेस पूछ रहा था जिसने गाना गाया दूल्हे राजा साहब, जायता रानी त जगह पर जाता, मुझे वो जगह का पता आज तक नहीं चला, कौन सा जगह खोज रहा था और जगह मिला नहीं। मैं इस लेवल से नहीं आ सकता, लेकिन मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ इतने अच्छे आप लोग हैं कि चुम्मा शब्द की उत्पत्ति हमने किया था। चुम्मा शब्द हमारे यहाँ से शुरू होती है साहब। हमने क्या गाया, बाया गाल के चुम्मा ले सह गई गोरिया, पाए गई नहीं हम सिपाही में नौकरिया। जब चुम्मा से सिपाही में नौकरी लगने लगी तो लोगों ने चुम्मा पर लिस्ट बनाना शुरू कर दिया और दौड़ प्रतियोगिता खत्म हो गई, हिंदुस्तान खतरे में पड़ गया। ये चुम्मा बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, क्या कहा, ऐसन दिहलू पप्पी गलिया लाल हो गई, झारखंड के सड़कन पर बवाल हो गई। ये चुम्मा का सब्जेक्ट था साहब। फिर एक चुम्मा टिहरी अंसोन से आई, उसने कहा, कलकत्ता सहरिया से हबड़ा बजरिया से, राजा जी हमारे टेलीफोनवे से, एगो चुम्मा मांगे ले। वो सब्जेक्ट आगे बढ़ा तो कल्पना जी ने ब्राह्मणों के पोथी पतरा पे खतरा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, जा तारा परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ, एगो चुम्मा ले ला राजा जी बन जाई जतरा, तब ब्राह्मणों से पोती पतरा कौन दिखवाएगा जब चुम्मे से जतरा बन जाए। इसके बाद यही बात रुकती नहीं है साहब, इसके बाद हमारे परम मित्र ने, हमारी मित्रता इतनी अच्छी है कि अभी वो 7 लाख 8 लाख भीड़ जुटती है जिसके नाम पे, वो आपकी धरती का बेटा है खेसारी, लेकिन उसने गाया
हम तो धोड़ी मुदल रहनी गोर की माटी से देवरा नतिया खोड़े काटी से। तो मैंने खेसारी से चुपके से पूछा कान में, जैसे केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल से कुमार विश्वास पूछते हैं कान में, मैंने उससे पूछा ये बताओ यार ये कमाल का गाना है, ये बनाया किसने, तो लिखा किसने। उसने कहा अच्छा गाना आपको लगा। मैंने जी तो ये बताओ कि मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आया कि जब उसने गलती से ढोड़ी गोर की माटी से मुंद ही लिया था तो तुमको कांटी से खोदने की जरूरत काहे पड़ी, उससे तो टेटनस हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा, ये मित्रता है इसलिए मैंने पूछ लिया। इसके बाद एक लड़के ने गाया, कहा कमाल का हिट हूं मैं। उस लड़के से भी हमारी मित्रता है, लेकिन उसने कहा क्या जायतर रानी तो जगह पे जाता, वो चीज समझ में नहीं कौन सा चीज था जो जगह पे जा नहीं रहा था। ये तो कमाल के लोग है साहब, ये तो गजब का गायकी हो गई। और इसको कहते हैं स्टारडम। श्रीदेवी से बड़ा कौन स्टार होगा, श्रीदेवी से बड़ा कोई स्टार होगा नहीं साहब, इतना बड़ा स्टारडम। लेकिन स्टारडम का हद तब होता है जब संस्कार सिलवटी खो जाती है। हम संस्कार की गलियों की बात करने वाले लोग पैसे जब मिलने लगते हैं तो अपनी आबरू भूल जाते हैं। हम स्टार ऐसे लोग हैं जो अपने स्टारडम में अपना संस्कार भूल जाते हैं। तब जाकर के ये भोजपुरी कहां से कहां पे पलटी मार देती है मुझे नहीं पता है। अजीत साहब आपने कमाल की गायकी किया है, यदि आप अजीत आनंद के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा तो गायकी मजबूत हो जाएगी। आइए हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस घर में माँ बाप की पूजा ना हो तो मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। मैं तो उस रंग का आदमी हूं जिस रंग रंग में समा गई वो राधा मीरा कैसी है, उस रंग रंग के पायल का हर रंग बेढंगा होता है। ये साहब ये जब देश गुलाम था तो मियां शुरू करता हूं मंच बड़ा हो जाना चाहिए। दुल्हे राजा जी का इतना खूबसूरत गीत आपने गाया, अजीत आनंद को क्या फायदा हुआ मैं जानता हूं। अजीत साहब जब आप नीचे गए तो मालोमाल हो गए, हम तो फकीर के फकीर। अब कहे कैसे, अजीत साहब ने जब दुल्हा का अभिनंदन किया तो मैं यहीं से देख रहा था कि बोहनी कितनी अच्छी है। मेरी नजर थी साहब 446-500 का जब तुम्हें नोट मिला तो लगा कि जीएसटी का गाना फिट हो गया। एक कमाल का चीज था, एक आईटी का है। और आपने जब पैसे दिया तो हमें क्यों खुशी हुई, क्योंकि आप लोग पैसे नहीं देंगे तो इन कलाकारों के घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप कमाल के लोग हैं साहब। ये देश जब गुलाम था तो मियां इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जब ये 10-20 साल का और हुआ साहब तो किसी ने लिखा मुफलिसी ये भूख का उन्माद किसने लिख दिया, मेरे चेहरे पर हिंदुस्तान किसने लिख दिया। ये देश जब और आगे बढ़ा अजीत भाई तो किसी ने लिखा कल मिला था नुमाइश में चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री का देश था। जब ये देश और आगे बढ़ा साहब तो अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा लोगों के अंदर धारणा बन जाती है केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ मुसलमान, रंगों पर भी लिख दिया जात धर्म का नाम। ये देश जब और आगे बढ़ा हिंदुस्तान तो किसी ने लिखा आजम गोंडवी साहब ने काजू भूले प्लेट में फिस्की गिलास में आया है रामराज विधायक निवास में। जब ये देश और आगे बढ़ा साहब ये हमारा हुआ आपका हुआ सबका हुआ। तो इस देश इसका दौर जब बड़ा हुआ तो किसी ने लिखा मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गया, किसी लड़के को कह दो ना 50 की संख्या में आएंगे लोग 50 का नोट होगा एक पल से हो जाएगा। मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल जिस दिन से गिर गया है देश का जीव कतरे तक विधायक हो गया। ये देश मूल्य का कैसे खो गया। बहुत बहुत आभार आप सबों का, आपने कमाल की गायकी सुनी है और कमाल का सुनेंगे। हम लोग दूसरे तेवर के लोग हैं लेकिन ये तेवर मैं आपका अभिनंदन करता हूं क्योंकि हम आपके अभिनंदन में बंद और छंद लिखते हैं। कोई हेलो हाय बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। लोग कहते हैं लड़का तो दीवाना है, हम हर बच्चे के तकदीर को विवेकान